हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जो कि बेस्ट बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं आपको। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो बीएड आपको पता ही होगा काफ़ी तरह के करवाए जा रहे हैं आज की डेट में। जैसे कि अगर बीएड की बात करें तो आपका 2 ईयर बीएड तो चल ही जा रहा है कई सालों से, ठीक है। 2 ईयर्स बीएड तो आप कर ही सकते हो, साथ ही साथ अब आपके पास 4 ईयर बीएड का भी ऑप्शन आ चुका है, दैट इज इंटीग्रेटेड बीएड, जिसमें आप बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड भी कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा जो यूनिवर्सिटी वो नहीं है जो कि 4 ईयर बीएड अभी ऑफर कर रहा हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप 2 ईयर बीएड करना चाहते हो दिल्ली के अंदर, तो वो कौन कौन से कॉलेजेस है जो कि बेस्ट आपको कोर्स ऑफर करते हैं, बहुत ही अच्छी वहाँ पर पढ़ाई होती है और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी आपको मिल सकती है वहाँ से बीएड करने के बाद। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से आप क्यों ना बीएड करो, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कंपटीशन ज़्यादा होने का सिंपल सा रीज़न है, दिल्ली के अंदर देखा जाए तो गिनती के सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि आपको क्या करती है, बीएड का कोर्स ऑफर करती है। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी है। जाहिर सी बात है, 3 यूनिवर्सिटी और एप्लीकेंट क्या है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है दिल्ली से बीएड करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर 3 यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको पता ही होगा, एक आईपी यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी है और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। तो बस ये गिनती के 3 यूनिवर्सिटी है जो कि आपको बीएड का कोर्स ऑफर करती है। इसके अलावा कुछ संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन वहाँ पर जो बीएड प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। अगर आप संस्कृत में बीएड करना चाहते हो तो ही आप कर सकते हो, तो उस ऑप्शन को हम साइड में रख रहे हैं क्योंकि मोर लेस ज़्यादा करके जो स्टूडेंट होते हैं संस्कृत के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में बीएड करना चाहते हैं। तो अगर आप जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंस साइंस मैथमेटिक्स अलग अलग जो होते हैं इन सब्जेक्ट, इनमें अगर आप बीएड करना चाहते हो एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इनको ऑप्ट करना चाहते हो, तो आपके पास दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ गिनती के 3 ऑप्शन है, 3 यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यानी आईपी यूनिवर्सिटी और लास्ट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। देखो, अगर कॉलेजेस वाइज बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गिनती के 4 कॉलेजेस हैं। मैं सबके बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बात करें तो टोटल 4 कॉलेजेस हैं। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो वहाँ पर एक ही उनका जो मेन कैंपस है जो कि बीएड प्रोवाइड करता है उनका एक है, और दूसरी तरफ आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो वहाँ 24 कॉलेजेस हैं। लेकिन सच बताओ तो ये 24 में उतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस नहीं, गिनती के अगर देखोगे तो 5-6 ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखा जाए तो दिल्ली के अंदर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है आपके पास, ठीक है। अगर आप बेस्ट कॉलेजेस को ढूंढने बैठोगे तो आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं ये जो 4 कॉलेज बता रहा हूँ इसमें काम की अगर देखा जाए तो गिनती के 2 ही है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बोल सकते हो, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बीएड के लिए। तो एक एक करके अगर मैं डिस्कस करूँ, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, एक एक करके अगर मैं डिस्कस करूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 कॉलेजेस आपके पास। एक आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन, ठीक है, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स, और एक लास्ट होता है लेडी इरविन कॉलेज, ठीक है। तो ये 4 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो लेडी इरविन कॉलेज है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो लेडी इरविन कॉलेज है सिर्फ और सिर्फ जो बीएड का कोर्स ऑफर करती है वो होम साइंस के अंदर ऑफर करती है। यानी होम साइंस के अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हो, लाइक साइंस में करना चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी और सब्जेक्ट में, या सोशल साइंस में मैथमेटिक्स में, या लैंग्वेज के अंदर हिंदी इंग्लिश संस्कृत या किसी और सब्जेक्ट में करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो ऑप्शन। तो देखा जाए तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि ज़्यादा करके स्टूडेंट संस्कृत होम साइंस में बीएड नहीं करते हैं, ठीक है। और ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गर्ल्स के लिए। दूसरा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस, ये भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, गर्ल्स के लिए। तो देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये 2 कॉलेज तो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं और कोई एडमिशन नहीं ले सकते। उसमें से भी अगर इस कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको होम साइंस के अंदर ही आप बीएड कर सकते हो और किसी के अंदर बीएड नहीं प्रोवाइड किया जाता है। यानी इफेक्टिव तौर पे बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन और एक महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन, ठीक है। ये तो 2 कॉलेज है, ये क्वाड कॉलेज है, यानी गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं और दोनों में सारे सब्जेक्ट्स में मोर ऑर लेस सारे सब्जेक्ट में आपको बीएड कोर्स ऑफर किया जाता है, ठीक है। अगर इसमें भी अगर कोई बच्चा पूछता है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, तो देखो अगर बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। दोनों में से अगर आप कहीं से भी अगर बीएड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों में क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर भी अगर आप प्रेफरेंस पूछना चाहोगे तो ऑब्वियस बात है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये मेन कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जहाँ पे बीएड कराया जाता है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी, ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी आपको। वही दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आप सेकेंड नंबर पर रख सकते हो। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो सीआई आप फर्स्ट नंबर पर रख सकते हो और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन आप सेकंड नंबर पर रख सकते हो, और अगर आप गर्ल्स हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप थर्ड नंबर पर रख सकते हो। क्लियर है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सारे ये टोटल चार कॉलेजेस हैं जिसमें तीन काम के कॉलेजेस हैं। तो पहली बात हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर ली, अगर आप दिल्ली के अंदर बीएड करना चाहते हो तो सबसे पहला तो ऑप्शन आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाता है। देन उसके बाद अगर बात करें जामिया के अंदर, तो जामिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनका जो मेन कैंपस है जो बीएड का कोर्स ऑफर करती है बस वही है, वहाँ पर गिनती के 200 सीट्स है और 200 बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है। देखो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप कैसे, देखो अगर मैं बात करूँ सिर्फ दिल्ली की तो दिल्ली का तो मैंने बता ही दिया, अगर आप किसी भी स्टेट का अगर देखना चाहते हो तो इसके लिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, काफ़ी आपके काम आएगा, ध्यान समझना। आप जस्ट गूगल पर जाकर के अगर आप सर्च करोगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE को जैसे आप सर्च करोगे, देखो सबसे पहली बात अगर आपको नहीं पता NCTE के बारे में तो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, देखो हमारे इंडिया में क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए काउंसिल बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, दैट इज NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये जो काउंसिल है ये बीएड या अलग अलग एमएड या बाकी जो कोर्सेज है उसे रेगुलेट करती है, उन्हें देखती है कि क्या वो सही से करवाया जा रहा है, यानी उसका जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग अलग अलग चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर है? तो इंडिया के अंदर जो अलग अलग टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज है उन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करती है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो सारे जो टीचिंग से रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटीज कॉलेज सबकी डिटेल आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो जैसे आप इनकी वेबसाइट पर पहुँचोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का। ठीक है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने बिल्कुल कॉलेजेस की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी अलग अलग रीजन वाइज। तो अगर हम बात करें दिल्ली की, अगर आप किसी और स्टेट का सर्च करना चाहते हो, जैसे कि मान लो आप ईस्टर्न रीजन में रहते हो, ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं। अगर इनमें से अगर आपको चूज करना किसी का चेक करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। अभी फिलहाल हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कहाँ आता है, नॉर्दर्न रीजन में आता है। तो आप नॉर्दर्न रीजन में क्लिक करोगे देन यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्दर्न रीजन में ये सारे स्टेट्स आते हैं। अगर बाई चांस अगर आप उत्तर प्रदेश का चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। फिलहाल हम अभी दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के अंदर बात करिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको जस्ट करना क्या है, यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वहाँ पे जाना है और बीएड सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो आप कितने सारे कोर्सेज हैं जो कि आप टीचिंग के फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो कर सकते हो। फिलहाल अभी के हम इस वीडियो में बीएड के बारे में बात करते हैं, तो जस्ट बीएड पे आपको क्लिक कर लेना है और आपको पर्टिकुलरली अपने लोकेशन के आसपास का सर्च करना है। देन यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, मुझे पूरे दिल्ली का चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं कर रहा और यहाँ पर जस्ट मैंने सर्च दबा दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि दिल्ली के अंदर टोटल कितने कॉलेजेस हैं जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं। मैं सबके बारे में एक एक करके डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कहाँ से आपको बीएड करना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में रहते हुए और किसे आप इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखोगे दिल्ली के अंदर टोटल 46 कॉलेजेस है जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं। ध्यान रखना इस 46 में तीन चार कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो संस्कृत है उसी में बीएड आपको ऑफर करती है, तो आप चाहो तो उसे एलिमिनेट कर सकते हो। अब इस 46 में अगर बात करें तो देखो एक बार शुरू से देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप मेनली देखोगे तो तीन ही आपको यूनिवर्सिटी दिखेगी, एक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दैट इज आईपी यूनिवर्सिटी, देन आपको एक दिखेगी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी यानी कि जेएमआई यूनिवर्सिटी। अब देखो अगर सबसे पहले अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दैट इज आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसके अंदर टोटल 24 कॉलेजेस है। जाहिर सी बात है इन 24 कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं है, गिनती के 5-6 कॉलेजेस है जो कि अच्छे हैं, और टॉप की बात करें तो टॉप के गिनती के 2-3 कॉलेजेस हैं जो कि टॉप में आते हैं। अगर आप यहाँ से बीएड करना चाहते हो अगर आईपी यूनिवर्सिटी से, तो आप सबसे पहले जो प्रेफरेंस में रख सकते हो इनका जो ये यहाँ 10th नंबर पर आप देख सकते हो गीतरंग इंस्टीट्यूट जो है इनका एडवांस स्टडी के लिए आप इसे प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप बीएड कर सकते हो। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। बीएड काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करती है। इसके अलावा
इसके अलावा आप सेकंड नंबर पे गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी प्रेफर कर सकते हो, उसके अलावा गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी प्रेफर कर सकते हो। तो ये तीन कॉलेज अच्छे हैं जो कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और आपको बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस जो कि ऑफर करते हैं, जिसके मैं अभी नाम बता देता हूं आपको, जिसमें सबसे पहले सूरजमल कॉलेज आता है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको बीएड का कोर्स ऑफर करता है। सूरजमल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, वो भी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, वो भी काफ़ी अच्छा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है बीएड के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक मिनट मैं निकाल देता हूँ, ये रहा, देखो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, इसकी फीस भी बहुत कम है और यहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो गिनती की ये पांच छह कॉलेज है जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, एक स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एक आपका सूरजमल कॉलेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार दिखा देता हूँ मैं सूरजमल कॉलेज को भी, ये रहा 25th नंबर पे आप देख सकते हो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि जनकपुरी में है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, ठीक है। तो अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करने का सोच रहे हो, तो ये गिनती के जो मैंने चार पांच कॉलेज बताए, ये आप प्रेफर कर सकते हो, जिसमें सबसे अच्छा है जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है उसे आप प्रेफर कर सकते हो, देन सूरजमल कॉलेज, इसके अलावा गीतरंजन कॉलेज, उसके अलावा गुरु नानक कॉलेज जो है और गुरु रामदास कॉलेज, ये जो कॉलेजेस है ये आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं बीएड के लिए। तो अगर आप दिल्ली में रह करके अगर आप बीएड करना चाहते हो, तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आप इन कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हो। वही अगर बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की के बारे में, तो अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंपस है जहाँ पर वो बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एजुकेशन, इनका जो डिपार्टमेंट है टीचिंग का, वहीं पर ये सिर्फ और सिर्फ जो बीएड का कोर्स ऑफर करती है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर टोटल 200 सीट्स है, यानी टोटल 200 बच्चों को ये लेते हैं एडमिशन के लिए। उसमें भी बहुत सारे टीचिंग, अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप दिल्ली से बीएड करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑप्शन है आपके पास, दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बताई दिया जो चार कॉलेज थे उनके बारे में, बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो उन चारों कॉलेज के बारे में नाम यहाँ पे लिखा होगा, उनके बारे में भी मेंशन होगा। एंड देन आईपी यूनिवर्सिटी, और आईपी यूनिवर्सिटी में भी अगर बढ़िया कॉलेज की बात करें, तो गिनती के चार पांच कॉलेज है जो बढ़िया, यानी कि ऑप्शन आपके पास लिमिटेड है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आप के घर के पास पास कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पे बीएड का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, और कौन से अच्छे कॉलेज है उसके बारे में मैंने बता दिया। बाकी आप अगर किसी और स्टेट का भी चेक करना चाहते हो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको तरीका बताया ही। आप किसी और स्टेट का, जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश का चेक करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश का, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, या किसी और रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो, जैसे ईस्टर्न या वेस्टर्न या साउदर्न रीजन से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हो कि आपके स्टेट के अंदर और आपके नियर बाय कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं। तो ये तरीका होता है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि बीएड का कोर्स कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस है जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि टोटल तीन ही यूनिवर्सिटी है जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करती है, और उन तीनों यूनिवर्सिटी में से कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है उसके बारे में मैंने बता दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई किया जाएगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसे। बाकी और बहुत सारे डिस्कशन बीएड से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे, तो आगे बीएड से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।